हेलो गाई, वेलकम टू टेक्निकल कामदेव। और दोस्तों, मैं आप लोग सामने न्यू टेम्पलेट वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, तभी दोस्तों जो आप स्टेटस देखे दोस्तों, इसी तरह के स्टेटस वीडियो आज मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो स्टेटस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के स्टेटस वीडियो बना के दोस्तों किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिएगा दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं लाइक और फॉलोअर्स पाने का। दोस्तों, तो आज मैं इसी तरह के स्टेटस वीडियो बनाने आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, तो इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, इस ऐप का नाम है दोस्तों आपको इजी कट। इस ऐप को दोस्तों आपको सिंपल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इनको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, तो सिंपल दोस्तों आपको इस वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल दोस्तों आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको इस लिस्ट वाले वीडियो को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बगल में दोस्तों आपको फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, और अपने गैलरी से दोस्तों आपको 12 फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जिसका आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ से 12 फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं आपका प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने 12 फोटो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे इस एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों मेरे सारे वीडियो फोटो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल फर्स्ट में दोस्तों आपको लिस्ट वाले वीडियो पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्लाइड कर लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको 9:16 साइज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर मार्क आ रहा है, तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ से इनको कट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो वाटर मार्क था वो हट चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट फोटो पर दोस्तों इस तरह से सेट कर लेना है। दोस्तों, फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। दोस्तों, और नीचे दोस्तों आपको क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपको फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, और यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको नीचे क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपको फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, और यहाँ से सेव कर देना है। इसी तरह दोस्तों आगे के जितने भी फोटो है दोस्तों, सब में दोस्तों आपको इस तरह का सेट कर लेना है। दोस्तों, फिल स्क्रीन कर देना है। ये काम दोस्तों मैं फटाफट कर ले रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं आपका प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने सारे फोटो को दोस्तों फिल स्क्रीन में कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है। इसके बाद दोस्तों अपने लिरिक्स वाले वीडियो को दोस्तों 6.56 कर देना दोस्तों, कुछ इस तरह से दोस्तों कम करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपने फोटो पर क्लिक करना है। दोस्तों, और इसका साइज कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपने इमेज पर क्लिक करना है, और इसका साइज़ दोस्तों आपको 1.56 कर देना है। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आगे के जितने भी फोटो दोस्तों, सब में दोस्तों आपको 1.56 कर देना कुछ इस तरह से। दोस्तों, अच्छे से सेट कर लेना है। ये काम दोस्तों जो मैं है फटाफट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने सारे फोटो को एडजस्ट कर लिया। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है। अब दोस्तों आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है। दोस्तों, और नीचे दोस्तों आपको मोशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको 5 नंबर वाले इफेक्ट को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। दोस्तों, और दोबारा दोस्तों आपको मोशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपको 5 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। दोस्तों, और यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आगे के जितने भी फोटो दोस्तों, सब में दोस्तों आपको 5 नंबर वाले इफेक्ट को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, ये जो काम है दोस्तों मैं फटाफट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं आपका प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने सारे फोटो में इस तरह के इफेक्ट ऐड कर दिए। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करके वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपने फर्स्ट फोटो पे कुछ इस तरह से चले आना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे इस ओवरले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से ब्लैक स्किन के शेडो को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, और नीचे एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों इसको स्लाइड करके दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट तरफ कुछ इस तरह से ले आना है दोस्तों। तो आपको स्लाइड करके दोस्तों पूरे वीडियो पे ले जाना है दोस्तों। इसको अच्छे से सेट कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके दोस्तों वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है। और यहाँ से दोस्तों आपको अच्छे से इसको जूम कर लेना कुछ इस तरह से दोस्तों, और वीडियो के नीचे तरफ इसको सेट कर देना कुछ इस तरह से दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों। बाद दोस्तों आपको दोबारा इसी ओवरले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको इस लिरिक्स वाले वीडियो को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है और नीचे एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों आपको फर्स्ट इमेज के पास कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल दोस्तों आपको अपने म्यूजिक पे क्लिक करना है दोस्तों, लिरिक्स वाले म्यूजिक पे क्लिक करना है और नीचे दोस्तों आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे इस डिलीट वाले ऑप्शन पे डिलीट कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों और कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इस लिरिक्स वाले म्यूजिक पे क्लिक करना है दोस्तों, और इसको जूम करके दोस्तों कुछ इस तरह से सेट कर लेना है दोस्तों, नीचे ले आना कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे इस वेल्डिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपको नीचे इसको अच्छे से सेट कर देना कुछ इस तरह से दोस्तों। और यहाँ से सेव कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे चले आना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे ओवरले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको इस लाइट वाले वीडियो को दोस्तों ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे दोस्तों आपको इस एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपको फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, और यहाँ से सेव कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे इस वेलिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से सेव कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड करके वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपना वीडियो को प्ले कीजिएगा तो दोस्तों आपका वीडियो कुछ इस तरह बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह मेरा जो वीडियो है दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल इस ऊपर सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी साइज सेलेक्ट करके दोस्तों अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं 1080p दोस्तों HD फुल क्वालिटी में दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर दोस्तों सेव होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।